So we are starting with the topic today, that is polarizability. Polarizability. Okay. तो पोलराइजेशन होता क्या है जनरली? पोलराइजेशन में क्या होता है कि आपका जो एक छोटे साइज का केटायन होता है ना, वो बड़े साइज के एनायन को पोलराइज कर देता है, उसमें पोल्स क्रिएट कर देता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल, दैट इज नोन एज पोलराइजेशन. ठीक है, देखिए जनरली जो आपके एनायंस होते हैं, एनायंस आर लार्जर इन साइज. एनायन का साइज जो है बड़ा होता है न्यूट्रल एटम से, और केटायन का छोटा होता है. ये सब आपको मैंने कराया था, ध्यान है? और केटायन से तो डेफिनेटली छोटा ही होगा. एनायंस आर लार्जर इन साइज देन केटायन. तो जब उसका साइज बड़ा हो जाएगा तो उससे क्या होगा, फर्क क्या आएगा? देयर इलेक्ट्रॉन्स आर लेस टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस, क्योंकि अब न्यूक्लियस जो है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन होते हैं, वो ही इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं. जब आपका साइज बड़ा हो जाएगा एनायन का, तो न्यूक्लियस अपना पुल नहीं लगा पाएगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, क्योंकि बड़ा साइज है, ज्यादा रेंज तक इतना इफेक्टिवली न्यूक्लियर पुल नहीं लग पाएगा. जब ज्यादा इफेक्टिवली न्यूक्लियर पुल नहीं लग पाएगा, तो जो सबसे बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन है ना, वो थोड़े लूजली हेल्ड होंगे फ्रॉम द न्यूक्लियस. एज एनायन आर लार्जर इन साइज देन केटायन, देयरफोर देयर इलेक्ट्रॉन्स आर लेस टाइटली हेल्ड. ये तो बात आपको समझ आई कि जितना छोटा साइज होगा उतना ज्यादा न्यूक्लियर पुल लगेगा, क्योंकि जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होंगे वो न्यूक्लियस के पास होंगे. जैसे जैसे साइज बड़ा होता जाएगा, तो न्यूक्लियस का इफेक्ट जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे कम होता जाएगा. यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? When two opposedly charged ions approach each other. जब आपके दो अपोजिटली चार्ज आयन्स जो हैं, वो एक दूसरे के पास आएंगे. कौन से होंगे अपोजिटली चार्ज आयन्स? एक केटायन और एक एनायन. ठीक है, केटायन पॉजिटिवली चार्ज, एनायन नेगेटिवली चार्ज. तो क्या होगा, द पॉजिटिवली चार्ज केटायन जो होगा छोटे साइज का, the positively charged cation attract the outermost electrons of the anion. तो वो एनायन के जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ पुल करेगा, और उसका एनायन का जो न्यूक्लियस होगा उसको अपोजिट साइड में, क्योंकि केटायन पे भी पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज है. एंड रिपेल्स इट्स पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस. अब इसकी वजह से क्या होगा, दिस रिजल्ट्स इन डिस्टॉर्शन और पोलराइजेशन ऑफ द एनायन. ठीक है, अगर आपको ये बात अभी नहीं समझ आई तो देखिए मैं एक फिगर से समझाती हूँ. आपका जो न्यूट्रल एटम होता है उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर जाए तो केटायन बनता है. केटायन आपका पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होता है. ठीक है, एनायन आपका जनरली थोड़ा सा बड़े साइज का होता है. एनायन आपका नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होता है. अब चाहे केटायन हो चाहे एनायन हो, उसमें क्या होता है कि सेंटर में आपका न्यूक्लियस होता है और उसके बाहर जो शेल्स होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं. इलेक्ट्रॉन्स हमारे नेगेटिवली चार्ज
आयन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब ये कहता है कि देखिए एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो सारा का सारा कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रिवोल्व कर रहे होते हैं, बाहर, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है जो कि हमारी। तो जब किसी केटायन के कॉन्टेक्ट में एनायन आएगा, केटायन आपका पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है, एनायन आपका नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है, एनायन के अंदर भी न्यूक्लियस तो होगा ना, और उसमें क्या होता है, बस एनायन में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, एनायन इज हैविंग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, उसकी वजह से उस पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो अब क्या होगा कि उसके एनायन के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, उसको ये जो केटायन है ये अपनी तरफ खींच लेगा, केटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा और उसके जो न्यूक्लियस है उसको दूसरी तरफ पुश कर देगा। क्यों? क्योंकि केटायन पे भी पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो एनायन का जो न्यूक्लियस है उसको वो दूसरी तरफ धकेल देगा और उसके जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है उनको थोड़ा अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि एनायन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो नेगेटिव चार्ज है, दे आर समवट पुल्ड टूवर्ड्स द केटायन, वो केटायन की तरफ आ गए और न्यूक्लियस उससे अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। तो इसमें देखिए एक तरह से ना दो पोल से क्रिएट हो गए हैं एनायन के अंदर, एक साइड नेगेटिव पोल, एक साइड पॉजिटिव पोल। ये जो पोल क्रिएट हुए, ये जो पोलराइजेशन, ये जो पोल्स क्रिएट हुए, इस चीज को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। अब आई बात समझ आप लोगों को? हाँ जी बेटा। देखो एक बार, हाँ आगे नहीं आ रही अभी स्क्रीन बेटा, नेट स्लो हो रहा होगा उधर, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए मैं एक बार फिर से आपको बताती हूँ कि केटायन जो होता है, देखिए केटायन जो होता है छोटे साइज का होता है, एनायन जो होता है बड़े साइज का होता है एज कंपेयर टू न्यूट्रल एटम। जब कोई छोटे साइज का केटायन एनायन के पास आता है तो वो उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो एनायन के जो इलेक्ट्रॉन है वो एक साइड में केटायन की तरफ चले जाते हैं, पुल हो जाते हैं, और जो उसका न्यूक्लियस है वो उसको अपोजिट साइड में पुश करता है, क्योंकि केटायन पे भी पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज है। तो इस वजह से एनायन में दो पोल क्रिएट हो जाते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं पोलराइजेशन, और उसकी शेप जो है थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो जाएगी, खराब हो जाएगी, ठीक है। तो फिर ये कहता है कि व्हेन अ लार्ज एंड सॉफ्ट एनायन, बड़े साइज का जो एनायन है, लार्ज साइज का जो एनायन है, कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्मॉलर साइज केटायन, जब एक बड़े साइज का जो एनायन है वो छोटे साइज के केटायन के कॉन्टेक्ट में आएगा, तो केटायन की कैपेबिलिटी होती है उसको पोलराइज करने की, द केटायन इज एबल टू पोलराइज द एनायन, वो उसको पोलराइज कर सकता है, पोलराइज द एनायन, उसमें पोल्स क्रिएट कर सकता है एनायन में, ठीक है। लेकिन एनायन केटायन के अंदर पोल नहीं क्रिएट कर पाता, क्योंकि एनायन का ऑलरेडी साइज बहुत बड़ा है और केटायन का क्योंकि साइज छोटा होता है, एक उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होते हैं केटायन के अंदर, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अच्छे से लग पाता है। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज केटायन के अंदर अच्छे से लग पा रहा है तो केटायन के न्यूक्लियस ने ना अपने इलेक्ट्रॉन को बहुत टाइटली हेल्ड कर रखा होता है, बहुत अच्छे से पकड़ रखा होता है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो एनायन उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींच सकता या उसके न्यूक्लियस को अपनी तरफ खींच लेगा। ड्यू टू
कॉम्पैक्ट मतलब छोटा सा कॉम्पैक्ट साइज है, कॉम्पैक्ट चार्ज क्लाउड ऑफ केटायन पोलराइजेशन ऑफ केटायन इज वेरी स्मॉल, इसलिए केटायन की पोलराइजेशन नहीं हो पाती। मैक्सिमम केसेस में जो पोलराइजेशन होती है वो हमेशा एनायन की ही होती है। ठीक है, द पोलराइजेबिलिटी जो है अब एनायन की, द पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन डिपेंड्स अपॉन उसके साइज पे भी डिपेंड करेगा, इट्स साइज, हाँ जी, एंड इट्स चार्ज। बेटा ये मैं आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। इट्स साइज एंड इट्स चार्ज, द पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन डिपेंड्स अपॉन इट्स साइज एंड इट्स चार्ज। मेरी रिक्वेस्ट है जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं आप सिर्फ समझ लीजिए जो इसका रिटन पार्ट है, आई विल सेंड यू थ्रू व्हाट्सएप और दिस पीपीटी। तो अब ये कहता है कि देखिए अगर हम इसमें साइज की बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आपके पास एनायन नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है, एफ नेगेटिव है, क्लोरीन नेगेटिव है, बी आर नेगेटिव है और आई नेगेटिव है। तो आप बताइए इसमें आपको क्या लगता है कि सबसे इजीली पोलराइज कौन हो जाएगा? पोल सबसे इजीली किसमें क्रिएट कर सकते हो आप? फ्लोरिन ग्रीन बेटा जिसका साइज में बड़ा आयोडीन होगा, जिसका साइज बड़ा होगा उसके इलेक्ट्रॉन बहुत लूजली हेल्ड होंगे, न्यूक्लियस का इफेक्ट नहीं लग रहा होगा उसके आउटर मोस्ट शेल पे, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स को कोई भी अपनी तरफ खींच सकता है। जिसका साइज छोटा है तो उसके इलेक्ट्रॉन को तो उसके न्यूक्लियस ने खुद नहीं पकड़ के रखा हुआ है, वो दूसरे के पास क्यों जाएंगे? तो अब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में अगर आप देखेंगे तो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, तो आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है। देखिए फ्लोरीन का साइज छोटा होता है एज कंपेयर टू आयोडीन, फ्लोरीन एनायन जो है उसकी बाहर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? सेवन, टू और सेवन, ठीक है, दो ही शेल है उसके पास। उसके कंपैरिजन में अगर आप आयोडीन पे आएंगे तो आपके पास कितनी शेल हो जाएंगी? फाइव एटलीस्ट। तो उसमें क्या होगा, साइज बढ़ता चला जाएगा, साइज जैसे जैसे बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, उसका जो न्यूक्लियस है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बांध के नहीं रख पाएगा, अपनी तरफ बांध के नहीं रख पाएगा तो कोई भी छोटे से साइज का केटायन आएगा और वो उसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। तो अब बताओ आयोडीन के इलेक्ट्रॉन केटायन अपनी तरफ इजीली खींच पाएगा या फ्लोरीन के? आयोडीन आयोडीन के ना, तो आयोडीन सबसे इजीली पोलराइज हो जाएगा, इसकी मैक्सिमम है पोलराइजेबिलिटी, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, और फ्लोरीन सबसे मुश्किल से पोलराइज होगा क्योंकि उसका साइज छोटा है। ठीक है, फॉर एनायंस हैविंग द सेम चार्ज, सब पे वन माइनस चार्ज है देखिए इन पे, फॉर एनायंस हैविंग द सेम चार्ज लार्जर साइज एनायंस, द लार्जर साइज एनायंस आर पोलराइज्ड टू अ ग्रेटर एक्सटेंट एज कंपेयर टू स्मॉलर साइज एनायन, एज कंपेयर टू स्मॉलर साइज एनायन, जो बड़े साइज के एनायन है ना वो इजीली पोलराइज हो जाते हैं एज कंपेयर टू स्मॉलर साइज। अब दूसरा ये बात करता है चार्ज की,
चार्ज मानिए दो है आपके पास, एक एस टू नेगेटिव है और एक सी एल नेगेटिव है। अब इसमें आप बताइए कि कौन सा इजिली पोलराइजेबल होना चाहिए, एस टू नेगेटिव के सी एल नेगेटिव। एक लॉजिक बताती हूँ, पहले प्रोटॉन एटॉमिक नंबर है सल्फर का 16, सल्फर में प्रोटॉन है 16 और इलेक्ट्रॉन हो गए हैं 18, दो नेगेटिव चार्ज है ना, तो मतलब इसमें दो इलेक्ट्रॉन ऐड किए हुए हैं। और क्लोरीन में प्रोटॉन है 17 और इलेक्ट्रॉन है 18, तो अब बताइए किसके इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड होंगे, किसके ज्यादा फोर्स के साथ नहीं जुड़े होंगे न्यूक्लियस से, सल्फर के कि क्लोरीन नेगेटिव। हाँ, क्योंकि यहाँ पे 16 प्रोटॉन को 18 को खींचना पड़ रहा है और उधर तो 17 को 18 को खींचना पड़ रहा है, तो Cl नेगेटिव वाला ज्यादा अच्छे से खींच रहा होगा ना अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ एज कंपेयर टू एस टू नेगेटिव। तो एस टू नेगेटिव में क्या है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्योंकि कम लग रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम लग रहा है तो इसमें क्या होगा कि इसके जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है दे आर लेस टाइटली हेल्ड। एस टू नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आर लेस टाइटली हेल्ड, उतने अच्छे से न्यूक्लियस की तरफ नहीं होंगे ड्यू टू लेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फेल्ट बाय देम। तो फिर पोलराइज करना किसको आसान हो जाएगा, एस टू नेगेटिव को या सी एल नेगेटिव को, जिसके इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड है या जिसके अच्छे से टाइटली हेल्ड है। तो एस टू नेगेटिव को पोलराइज करना ज्यादा आसान है ना, एस टू नेगेटिव ज्यादा इजीली पोलराइज हो जाएगा। ठीक है, फॉर एनायंस इन दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है, एस टू नेगेटिव और सी एल नेगेटिव का, तो हम कह सकते हैं, एक बार नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देती हूँ ये चीज, कि फॉर एनायंस ऑफ सिमिलर साइज, फॉर एनायंस ऑफ सिमिलर साइज जो है, द मोर पोलराइजेबल एनायन, द मोर पोलराइजेबल एनायन हैज अ ग्रेटर नेगेटिव चार्ज, जिसपे ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा ग्रेटर नेगेटिव चार्ज, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन उतना लूजली हेल्ड होंगे, जितने ज्यादा लूजली हेल्ड होंगे उतना इजीली पोलराइज हो जाएंगे। ठीक है, ये क्यों हुआ कि जिस पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा वो इजीली पोलराइज हो जाएगा, ग्रेटर नेगेटिव चार्ज इंडिकेट्स अ लार्ज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन कम है, इंडिकेट लार्ज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर प्रोटॉन्स, इसका मतलब ये है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन कम है। फॉर और इसमें क्या है कि इसलिए ये इजीली पोलराइज हो जाता है। एक और भी पॉइंट है कि फॉर पोलराइजेशन, किसी भी कंपाउंड में पोलराइजेशन हो रही है तो कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता जाता है उस कंपाउंड के अंदर, फॉर पोलराइजेशन, या फिर हम कह सकते हैं कोवलेंट कैरेक्टर क्योंकि वो पोलराइजेशन की वजह से आता है, टू बी सिग्निफिकेंट, कि अच्छे से कोवलेंट बॉन्डिंग हो रही हो, टू बी सिग्निफिकेंट फॉर अ बॉन्ड, द केटायन, जो केटायन है वो छोटे साइज का होना चाहिए, द केटायन मस्ट बी पोलराइजिंग, वो इतना छोटा होना चाहिए कि उसकी कैपेसिटी हो पोलराइज करने की, पोलराइजिंग, और एनायन बड़ा होना चाहिए, एनायन मस्ट बी पोलराइजेबल, कि वो पोलराइज हो सके, पोलराइजेबल, केटायन की कैपेसिटी होनी चाहिए पोलराइज करने की और एनायन की होनी चाहिए कि वो पोलराइज हो जाए। ठीक है, अब बताइए फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग करते हैं,
फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पोलराइजेबिलिटी अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पोलराइजेशन आसान होगा मुश्किल होगा ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हाँ जी ज्यादा होगा कम होगा लेस जाएगा हाँ लेस वुड हाँ बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे लेस वुड बी द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिवली न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा और उसकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी हायर विल बी इट्स पोलराइजेबिलिटी पोलराइजेबिलिटी एस न्यूक्लियस हैव लेस कंट्रोल ओवर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस का बाहर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कोई ज्यादा कंट्रोल ही नहीं रहेगा जब कंट्रोल नहीं रहेगा तो उन इलेक्ट्रॉन्स को कोई भी अपनी तरफ खींच लेगा कैटायन खींच लेगा कैटायन खींच लेगा तो वो इजिली पोलराइज हो जाते हैं साइज की बात करें तो ग्रेटर द साइज ऑफ एनायन जितना बड़ा साइज होता जाएगा एनायन का हायर विल बी इट्स पोलराइजेबिलिटी उतना इजीली वो पोलराइज होता चला जाएगा हायर विल बी इट्स पोलराइजेबिलिटी ठीक है और एक छोटा सा और करा रही हूँ इसके बारे में कि वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल बाकी फजान रूल है इससे रिलेटेड वो मैं आपको कल कराऊंगी वेरिएशन ऑफ पोलराइजेबिलिटी इन पीरियोडिक टेबल पीरियोडिक टेबल में पोलराइजेबिलिटी कैसे वेरी करेगी अगर आप डाउन द ग्रुप आ रहे हैं ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज क्या होता है डाउन इंक्रीज होता है तो पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए डिक्रीज होनी चाहिए साइज इंक्रीज यस पोलराइजेबिलिटी इंक्रीजेस एज वी मूव डाउन द ग्रुप जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेंगे तो पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होगी एज क्यू इंक्रीज हुई एटॉमिक साइज इंक्रीजेस एज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुड बी इजीली डिस्टॉर्टेड और दूसरा है जब आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो अक्रॉस अ पीरियड तो साइज क्या होता है लेफ्ट टू राइट मूव करने में छोटा होता जाता है छोटा होता जाएगा तो पोलराइजेबिलिटी डिक्रीज होगी आपकी डिक्रीज होगी हाँ वेरी गुड पोलराइजेबिलिटी डिक्रीजेस As we move along a period, जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो पोलराइजेबिलिटी डिक्रीज होगी क्यों As atomic size decreases, effective nuclear हाँ from left to right size decrease होता जाता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस
अब आपके पास अगर मैं कहूं कि ये तीन स्पीशीज हैं, ए नेगेटिव, न्यूट्रल ए, ए पॉजिटिव, सबसे इजीली पोलराइजेबल इनमें कौन सा है? ए नेगेटिव. यस, फिर ए, फिर ए पॉजिटिव. तो ये आपका पोलराइजेबिलिटी का ऑर्डर होता है हमेशा. तो बेटा पोलराइजेबिलिटी के बारे में इतना था. इसमें इसी से रिलेटेड आगे एक टॉपिक है फजान रूल, जो एक दो बार फाइनल एग्जाम में भी आया है. कल मैं आपको फजान रूल बता के उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं कुछ लॉजिकल, वो भी कराऊंगी. ठीक है, एंड इट वुड बी ओवर बाय टुमारो.